को कुछ देर के लिए लक्ष्मण जी ने चिढ़ाया, फिर महाराज असली बात थी वो परशुराम जी को बता दी कि ये राम साक्षात नारायण है, इस नारायण के सिवाय शंकर का दिया धनुष कोई नहीं तोड़ सकता। तब महाराज जनक जी ने सीता का विवाह किया राम जी के साथ। सीता जी और राम जी दोनों वरमाला लेकर आए और वरमाला पहनाते हैं, ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ रहे हैं और सारी देवता ऋषि गण महात्मा गण पंडित गण योगी गण साधु गण इस बड़े सुंदर शक्ति और शक्तिमान के मिलन को देख रहे हैं, परम पिता परमात्मा के इस दिव्य चरित्र को, इस दिव्य लीला को, इस दिव्य मंगलमय विवाह को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम स्वस्ति ने इंद्रो विद सर्वा स्वस्ति ने भूगा विश्ववेदा स्वस्ति नक्ता रक्षो आरिष ने स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ब्रह्मा जी इस प्रकार मंत्र पढ़ रहे हैं महाराज और षष्ठी वाचन का पाठ करते हुए ब्रह्मा जी ने सीता जी को महाराज तिलक लगाया। आज के यजमान भाई सुंदरलाल जी थाली लेकर के राम जी को तिलक करें, सीता जी को तिलक करें। आज के मुख्य यजमान भाई सुंदरलाल जी छिपा झुक जाओ माताएं खड़ी हो जाए और आरती के लिए आगे आ जाए। ना तिलक के बाद सीधी आरती होगी, नाचना है वो नाच नहीं सकते भाई।